नमस्कार, आपका प्रगति मीडिया में आपका एक बार और स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में दोबारा से पूरी तरह से फैल चुका है। भारत में लगभग 2.5 लाख के करीबन कोरोना के केस डेली आ रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। मरने वालों की संख्या में 1500 के करीबन लोगों की संख्या आ चुकी है। अब हम ये जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस फैल रहा है या केवल ये अफवाह है। हमारे पास में अक्सर वीडियो आती रहती हैं जिसमें लोग ये बताते हैं कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है और ये इससे कुछ नहीं होता है, ये केवल आपकी एक झूठी कहानी है। कई ऐसी वीडियो आती हैं जहां पे काफ़ी संख्या में रैली हो रही है, काफ़ी भव्य संख्या में रैली हो रही है, लेकिन वहां पे ये बताया जाता है कि क्या यहां पे कोरोना वायरस नहीं है। कई कई तरह की वीडियो आती हैं। हर किसी के मन में ये सवाल उठता है, क्या कोरोना वायरस है या केवल एक ये सरकार की सोची समझी चाल है। आज हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम इसमें कुछ आंकड़ों को हम लेके आएंगे, इसमें हम कुछ पुरानी बातों को और जो प्रेजेंट में चल रहा है उन बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्या कोरोना वायरस जैसी बीमारी है या नहीं है। अगर है तो जो रैलियां चल रही हैं, जो सरकार के द्वारा कैंप चलाए जा रहे हैं या कुंभ या जो भी कैंप चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर कोरोना वायरस क्यों नहीं आ रहा है, तो इसी बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस बीमारी जैसे कि ये कोई भारत सरकार द्वारा कोई निर्धारित कोई बीमारी नहीं है, ये पूरे संसार में फैली हुई है। एक व्यक्ति पागल हो सकता है, दो व्यक्ति या एक पूरा देश पागल हो सकता है, लेकिन पूरा संसार अगर इस बात को मानना है कि कोरोना वायरस बीमारी है, तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है। दूसरी बात आ जाती है कि सरकार द्वारा रैलियां जो निकाली जा रही हैं, क्या वहां पे कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है। सरकार द्वारा जो रैलियां निकाली जा रही हैं वहां भी कोरोना वायरस फैल रहा है, लेकिन सरकार किसको लापरवाही कहे या सरकार का इसमें खुद का स्वाभिमान कहे कि वह इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमें यहाँ पर अभी कोई रैली नहीं निकालनी चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से कई नेताओं की मौत भी हुई है व कई ऐसे जगह पे प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं जहां पे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन भी लग चुका है। अब बात आ जाती है कि जो कोरोना वायरस के इतने केस निकल रहे हैं, तब भी भारत में पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं क्यों नहीं लग रहा है। भारत में पूरी तरह से लॉकडाउन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अभी अगर एकदम से फिर से लॉकडाउन लगा देंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था, पूरे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अगर दोबारा से इसी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है, लेकिन इसमें कोई व्यापारी इसको मंजूरी नहीं देना चाहेगा कि पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन कई जगह पे हम देख रहे हैं कि कई जगह पे पूरी तरीके से लॉकडाउन लग चुका है। दिल्ली में भी सैटरडे संडे का लॉकडाउन लग चुका है काफ़ी जगह पे, और ये लॉकडाउन हमको पता है, हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ये लॉकडाउन धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, जिससे कि जो व्यापारी हैं या जो भी व्यापार चला रहे हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा थोड़ा कम करके संभाल सकें। तो अब आ जाती है कि बात की कोरोना वायरस है या नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम जान रहे हैं, जैसे कि हम डेटा में देख रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस निकल रहे हैं। 2.5 लाख के करीबन कोरोना के केस निकल रहे हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। कई जगह पे हम जाते हैं कि हमें तो इस सूचना के माध्यम से ये पता लगा है कि कई जगह पे तो हम रिपोर्ट कहीं करवाने जाते हैं तो वहाँ हैंड टू हैंड जो रिपोर्ट दे देते हैं, वहाँ पर अगर आप पॉजिटिव भी होते हैं तो वो आपको नेगेटिव बता के आपको निकाल देते हैं। क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि एक सूचना के आधार पर कि सिलेंडरों की कमी या बेड की कमी होने की वजह से कोरोना के जो केस निकल रहे हैं उन पर ज़्यादा लोगों की आवाजाही ना हो, इसलिए उनको घर पर ही क्वारंटीन करने के लिए बोला जाता है। कोरोना वायरस बीमारी को लोग नॉर्मली बीमारी समझ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें, जिनके साथ में या जिनके फैमिली में ये बीमारी होती है, आप उनसे पूछिए कि कोरोना वायरस एक नॉर्मल बीमारी है या वैसे ही है। हमारे पास में ऐसी काफ़ी वीडियोस आती रहती है जो कोरोना वायरस पर कहानी बना रहे हैं, कविता बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, या उसको कुछ मान ही नहीं रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। भैया, आपको हम यही सलाह देते हैं, आप एक बार कोरोना वायरस का जो पेशेंट है
उसके पास जाइए या उसकी फैमिली के पास जाइए, उनसे पूछिए कि वो किस कंडीशन में गुजर रहे हैं या उनके ऊपर क्या बीत रही है। कोरोना वायरस जो बीमारी होती है वो आपके पेट पे, लंग्स पे और आपकी इम्यूनिटी पे असर देती है। अब इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो लापरवाही कर देते हैं, आप योग कर सकते हैं बाबा रामदेव की। आप अगर उनको नहीं मानते, उनके जो उनका जो फॉलो है, जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उनको आप मानिए, योग कीजिए, काढ़ा पीजिए, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, आप जो कपालभाति होता है, अनुलोम विलोम आसन होता है, आप योग कीजिए, उन चीज़ों को अपनाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुका है, आप उससे जाके मिलिए और उससे उसकी जो कंडीशन है वो पूछिए, वो किस तरह से ठीक हुआ और उसको कितना खर्चा करना पड़ा वो आप पूछिए, उसके घर पे क्या बीती है वो आप पूछिए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, प्रगति मीडिया के माध्यम से, हम आपको यही बताना चाहते हैं, आप अपने व्यापार को कर रहे हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू कीजिए, कोई मना नहीं है, कमाने का अधिकार सबको है, खर्च के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इस अगर इस बीमारी को अगर आप लापरवाही में ले रहे हैं, ये सोच रहे हैं कोरोना वायरस बीमारी तो कुछ भी नहीं है, तो आप एक बार उन लोगों के पास जाके देखिए जिनको हो चुकी है या जिनके परिवार में किसी को हो चुकी है। दोस्तों आप बता दें कि जो 2.5 लाख के जो डेली के नए केस निकल रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, ये कैसे निकल रहे हैं? तो अक्सर हम आप बाज़ारों में देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ मात्रा में निकली हुई है, कुंभ लगा हुआ है, जगह जगह पे कैंप हो रहे हैं या कई तरह की लापरवाही हो रहे हैं। तो इन लापरवाहियों से हम बचें, मास्क पहने, हाथों में ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर का यूज करें, काढ़ा पिए, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, इससे ही हम कोरोना वायरस से बच पाएंगे और आगे हम ये मुहिम उठा पाएंगे कि कोरोना वायरस बीमारी भारत से भाग जाए और हम अपनी फैमिली के संग में खुशी और अच्छी ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद।